रोज नगर में खुशामदीद, सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि पनामा लीक का मामला खत्म नहीं, शुरू हुआ है। तनाजात वजीर आजम के खानदान ने पैदा किए, पाकिस्तान में चेक नहीं देना तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी ना रखे। हम सवाल उठाते हैं, डिक्टेशन नहीं देते। हम पूछ रहे हैं पनामा पेपर्स पे है और अटैक हो जाता है शौकत खानम पे, और अटैक कौन करते हैं? चार गवर्नमेंट के नुमाइंदे जाके टीवी पे बैठ के, वहां टीवी पे बैठ के कहते हैं, स्पीकर साहब आप ये सोच लें कि टीवी पे बैठ के कहते हैं कि पैसा डूब गया। यहां एक गवर्नमेंट का वजीर बैठ के मुझे, यहां मैं इधर बैठा होता हूं, मुझे कहता है आप पैसा हजम कर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का काम इल्जामात लगाना नहीं, मेरे महलात हैं तो तहकीकात करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में तोता मैना की कहानी सुनाई। इमरान खान, इमरान खान अपनी सियासत और शौकत खानम अस्पताल के दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान बताएं शौकत खानम अस्पताल का पैसा कितने साल इन्वेस्ट रहा और कब वापस आया। ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि कोई माइका लाल करप्शन ना कर सके, वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। इलेक्शन में तरक्की के दुश्मनों को शिकस्त देंगे, अवाम की अदालत में रोशन और बेहतर पाकिस्तान के साथ पेश होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का अरकीन असेंबली से मुलाकात में अजम का इजहार। पिशावर के इलाके मिथुरा में यके बाद गिरे दो धमाके, पुलिस एहलकार शहीद, 9 अफराद जख्मी। और मुनफरिद खूबियों के मालिक फखरे पाकिस्तान अदाकारों फिल्म स्टार अली जफर आज 36 बरस के हो गए।